हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से डिसिप्लिन से है, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लैंग्वेज और भी बहुत ज़्यादा है। वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट से आपकी इस असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट निकली है। बस जो आपकी सैलरी रहेगी वो 24,000 पर मंथ रहेगी। इट मीन्स यहाँ पे सैलरी मेंशन कर रखा है, पे लेवल नहीं मेंशन कर रखा है। इट मीन्स यहाँ पे आपके अलाउंसेस ऐड नहीं होंगे। इसमें आपको दो टाइप की रिलैक्सेशन मिलेगी। फर्स्ट तो होगी आपकी एज रिलैक्सेशन, जो मोस्टली हर गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है मिलती है एस सी एस टी या ओबीसी कैंडिडेट को। प्लस इसमें एक डिफरेंट टाइप की रिलैक्सेशन भी मिल रही है, दैट इज मार्क्स रिलैक्सेशन। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मार्क्स रिलैक्सेशन क्या होती है, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आगे हम वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपकी नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके रीड आउट कर सकते हो। इसमें जो आपकी पोस्ट थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है आपकी। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 24,000 पर मंथ रहेगी। इसको लास्ट अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 12th ऑफ नवंबर। यहाँ पे मेंशन कर रखे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट मेंशन कर रखे है आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेजेस या आपकी मराठी। और आपको कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए नेल। आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ओपन के अंदर इतनी है, एससी के अंदर इतनी है, एसटी के अंदर इतनी है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। प्लस संस्कृत, उर्दू ये सारे लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं। सेकेंड आपकी सोशल साइंस से रिलेटेड, लाइक अम्बेडकर थॉट, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पीजी लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म की काफ़ी कम पोस्ट मिलती है, तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन की डिमांड नहीं करी गई है। बस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखी है, मोस्टली आपके नंबर ऑफ पोस्ट 1-1 है, किसी किसी में आपके नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। फिर से मेरा सजेशन यही रहेगा कि नंबर ऑफ पोस्ट देखिए घबराना नहीं है कि एक ही नंबर ऑफ पोस्ट है तो हम क्या अप्लाई करें, क्या हमारा सिलेक्शन होगा। जितने नंबर ऑफ पोस्ट कम होगी उतने ज़्यादा कैंडिडेट सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो हम अप्लाई ना करें। तो आपको यहाँ पे रिस्क नहीं उठाना है कि अप्लाई ना करने का, तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी आपके डिसिप्लिन में कितने नंबर ऑफ पोस्ट तो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, प्लस कौन सी कैटेगरी के लिए वो नंबर ऑफ पोस्ट है। थर्ड आता है आपका साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड। अगर आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस है, फिजिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, जूलॉजी है, तो आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे थे, किस किस में आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है, किसी किसी में आपको स्पेशलाइजेशन मेंशन है। नंबर ऑफ पोस्ट मोस्टली आपकी 1 है, किसी जैसे सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी नंबर ऑफ पोस्ट वो ज्यादा भी है, लाइक बॉटनी में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। जैसे आपने यहाँ पे रीड किया कि बॉटनी है, बॉटनी में तो ओपन वालों की और हमारे लिए तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली रीड आउट करना है कि बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी, जैसे हम यहाँ पे बॉटनी का एग्जाम्पल लेके चले तो बॉटनी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है, उसमें आपको एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है फॉर दी ओपन कैटेगरी एंड जो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है फॉर दी एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, कभी आप फटाफट से रीड करें अच्छा इसमें मेरे लिए तो कोई जॉब है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। थर्ड है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे मेंशन करके आप बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स एक्सपीरियंस कोई डिमांड नहीं है, नंबर ऑफ पोस्ट मोस्टली 1 ही रहेगी। फिफ्थ आता है आपका आर्ट से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस, मास कम्युनिकेशन, पीजी एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। जैसे यहाँ पे मेंशन सारे सब्जेक्ट्स कर रखे हैं। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन भी मांग रखी है, अगर आप फाइन आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो पेंटिंग में होनी चाहिए, या आपकी ड्रामा में होनी चाहिए, या आपकी फोटोग्राफी में होनी चाहिए। अगली आती है आपकी पोस्ट, वो है एजुकेशन लॉ या इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट निकली है। जो आपका सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन है वो मेंशन कर रखे हैं केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, वो भी ओपन के लिए भी है, एससी के लिए भी है, एनटी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है। ऐसे आपकी फूड टेक्नोलॉजी के लिए, ऑयल टेक्नोलॉजी के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट 1-1 ही रहेगी। सरफेस कोटिंग या पेंट टेक्नोलॉजी के लिए, केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, अगर आपको संस्कृत आती है तो उसके लिए भी आपके नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आपको मेंशन कर रखा है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपकी जॉब निकली है इंग्लिश या इकोनॉमिक्स मेथड के लिए। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बी आर एस के वांगखड़े कॉलेज ऑफ एजुकेशन।
ऐसे यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा शाहेद अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ के लिए भी, आपकी पॉलिटिकल साइंस अगर आपका एज अ सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी ये जॉब है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी भी सबकी मेंशन कर रखी है, अगर ओपन के लिए कैटेगरी मेंशन कर रखी है तो उसमें SC ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपकी अगली पोस्ट है वो है यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ स्पेशलाइज स्टडीज, यहाँ पे सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर दी सेरिकल्चर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन भी मेंशन करके कुछ में चाहिए कुछ में नहीं चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट ठीक है, इतनी कम नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो हम अप्लाई करें या ना करें, आपको अप्लाई करना ही करना है। मुझे आपकी जॉब अपडेट है वो रिलीज कहाँ से हुई है, रिलीज हुई है नागपुर से। मैं आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम बता देती हूँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम है रस्त्रास्थान टुकाडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी हम आके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी नोटिफिकेशन रिलीज नागपुर से हुई, और ये नोटिफिकेशन रिलीज कब हुई थी, 28 अक्टूबर को, और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12 नवंबर को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, तो इनके लिए आपकी इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, लाइक आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। बिसाइड दिस आपके पास नेट होना चाहिए, CSIR नेट होना चाहिए, UGC नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर आप PhD होल्डर हो तो जो आपकी PhD है वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, जैसे कि मोस्टली हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, लाइक आप जो आपकी PhD है वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए, जो आपके PhD थीसिस है उनको एवेल्यूएटेड किया जाना चाहिए बाय द 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, प्लस जो आपके रिसर्च पेपर है वो रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश होने चाहिए। यहाँ पे मेंशन है कि आपने कम से कम अपने 2 पेपर को कहीं ना कहीं प्रेजेंट कर रखा हो इन द कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है अगर आप PhD के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो। आगे आपको मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन द बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में, या आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपका CA या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। डिजायरेबल में मेंशन कर रखा है आपके पास टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल का कुछ एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, या तो आपके अगर पेपर कुछ प्रेजेंट हुए हैं कॉन्फ्रेंसेज में तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे अब एलिजिबिलिटी मेंशन कर रखी है फाइन आर्ट्स के लिए, स्पेशलाइजेशन है ड्रामा, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। बिसाइड दिस UGC नेट, CSIR नेट या सेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप PhD के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी PhD है वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप आर्ट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है विद द 55% मार्क्स, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इयर्स तक कहीं भी परफॉर्म कर रखा है लाइक नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो इन फाइन आर्ट्स, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मेंशन है पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, जो हमने ऊपर डिस्कस की थी वहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन मेंशन थी ड्रामा, इसमें भी आपको अपने मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स प्लस आपका UGC नेट, CSIR नेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप PhD के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो जो आपकी PhD है वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर रखी है, आप यहाँ से जाके रीड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए, आपके पास बेसिक डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, दैट इज BPharma, आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए एज अ फार्मिस्ट अंडर द एप्लीकेबल फार्मेसी लॉ, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी। डिजायरेबल में मेंशन कर रखा है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, रिसर्च हो, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्लस अगर आपके कुछ पेपर पब्लिश हुए हो या आपके कॉन्फ्रेंसेज में आपने पेपर प्रेजेंट किए हो तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे मेंशन करेगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो हिंदी लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी आपके पास BA होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए, ME होनी चाहिए, MTech होनी चाहिए इन द रेलिवेंट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास, प्लस डिजायरेबल में मेंशन है या तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपके कुछ पेपर आपने प्रेजेंट कर रखे हो कॉन्फ्रेंसेस में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है वेल फिलिंग द फॉर्म। यहाँ पे आपको साइट मेंशन कर रखी है, आपको इस साइट पे विजिट करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको आपको फिल आउट करना है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ पे अटैच करना है विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, प्लस यहाँ पे आपको एक परफॉर्मा ए भी मिलेगा जब आप उस साइट पे विजिट करोगे तो आपको वो भी इसके साथ अटैच करना है। अगर आपने परफॉर्मा ए अटैच नहीं किया तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्क्स रिलैक्सेशन भी मिलेगी, तो वो किसको मिलेगी, यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखा है
कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या आपके पास मास्टर डिग्री है, कौन कौन से कैंडिडेट को मिलेगी, या तो वो एससी से बिलोंग करता हो, एसटी से बिलोंग करता हो, या ओबीसी से बिलोंग करता हो जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और डिफरेंटली एबल्ड या ब्लाइंड या डेफ, इन इन जो कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है, तो उनको 5% की मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगी। इट मीन्स अगर मैं जर्नल से बिलोंग करती हूँ तो मेरे को जो क्वालिफाई करने के मार्क्स है वो 55% मार्क्स है, लेकिन जो इन पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे इन पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो 50% रहेंगे। तो इसे कहते हैं मार्क्स रिलैक्सेशन। वो कह रहे हैं जिनके पास पीएचडी डिग्री है और जिनके पास मास्टर डिग्री है किससे पहले 19 सितंबर 1991 से, उनको भी 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। बस यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको इस पर्टिकुलर साइट पे जाके विजिट करना है, वहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है और आपको उसको फिल करना है। और आपकी जो फीस रहेगी ओपन कैटेगरी के लिए 500 रहेगी, 300 रहेगी आपकी एससी एनएसटी के लिए, और आपको जो इसकी फी पे करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी है। जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है एप्लीकेंट मस्ट राइट नेम ऑफ द पोस्ट, स्पेशलाइजेशन रिजर्व अनरिजर्व पोस्ट, हिज हर नेम एंड फुल एड्रेस ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट विदाउट फेल। तो ये आपको पर्टिकुलर चीजें मेंशन करनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज आपने इसी में गलती कर दी तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन फी भी आपने पे कर दी, तो आपका डबल लॉस। वैसे आपने मेंशन करके अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट कर रहे हो तो आपको पेस्ट करनी है, स्टेपलर नहीं करना है। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है मराठी लैंग्वेज में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मार्क्स होंगे उस बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होगा, और उसी के सिलेक्शन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। और आपको एप्लीकेशन पोस्ट के थ्रू ही सेंड करनी है, ईमेल और फैक्स बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने किया तो जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन कर रखा है और जो आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12th of November है, तो उससे पहले ही अप्लाई कर लेना, और उसमें तो काफ़ी टाइम बचा भी नहीं है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपके जो सर्टिफिकेट्स है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको अटैच करना है, एनवलप में डालना है, और जो एनवलप है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करेगा, उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द पोस्ट, सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन एंड इट्स कैटेगरी, और आपको इस पर्टिकुलर पोस्टल एड्रेस पे उसको सेंड कर देना है 12 नवंबर से पहले, और यहाँ पे टाइम भी मेंशन है 5 बजे से पहले। तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसको कैसे फिल करना है, आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, तो हमने वो पॉइंट भी कवर कर दिया आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।